सिंपल क्वेश्चन है, सपोज थर्ड टर्म इज फाइव एंड सेवेंथ टर्म इज नाइन, सेवेंथ टर्म टी थ्री फाइव है और टी सेवन नाइन है, एपी तैयार करनी है हमें, एपी बनानी है। टी थ्री इज फाइव एंड टी सेवन इज नाइन, टी थ्री इज फाइव एंड टी सेवन इज नाइन, वेरी सिंपल। थर्ड टर्म फाइव है, सेवंथ टर्म नाइन है। थर्ड टर्म अगर सेवन है और सेवंथ टर्म नाइन है, सिंपल थी। टी थ्री का फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस वन डी में, टी थ्री का फॉर्मूला है, टी एन का फॉर्मूला, टी एन इज ए प्लस एन माइनस वन डी। सो टी थ्री होगा ए प्लस थ्री माइनस वन, मतलब टू डी, एन की वैल्यू थ्री है बट टी थ्री की वैल्यू फाइव है, फाइव इज ए प्लस टू डी, इक्वेशन वन। सिमिलरली टी सेवन नाइन है, तो नाइन इक्वल्स टू ए प्लस नाइन माइनस वन, दैट इज एट डी, ए प्लस एट डी नाइन है और ए प्लस टू डी फाइव है, फाइव इक्वल्स टू ए प्लस टू डी, एन माइनस वन नाइन माइनस वन एट, सेवंथ टर्म नाइन है, सेवंथ मतलब इधर सिक्स आएगा, सेवंथ टर्म है, सेवंथ गलत हुई थी, ये नाइन है, सेवन माइनस वन सिक्स, फाइव इक्वल्स टू ए प्लस टू डी। सो आपको डी निकालना है, सिक्स माइनस टू डी सब्ट्रैक्शन करो, नाइन माइनस फाइव फोर, सिक्स माइनस टू फोर डी, फोर डी फोर है मतलब डी का वैल्यू वन। डी को किसी एक इक्वेशन में पुट कीजिए, टू इंटू वन इज टू, ए प्लस टू इज फाइव, ए इक्वल्स टू थ्री, वैल्यू ऑफ ए इज थ्री, ए का वैल्यू थ्री है, डी इज वन, यू कैन फॉर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कैसे फॉर्म करना है सोच लो, इफ यू नो ए फर्स्ट टर्म एंड यू नो द कॉमन डिफरेंस, यू कैन फॉर्म एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ए में ए थ्री है, डी वन उसमें ऐड करो, थ्री प्लस वन फोर, थ्री पहला टर्म थ्री सेकंड टर्म फोर, फिर वन ऐड करो, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, इस तरह की अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। यानी एक सिंपल क्वेश्चन हमने लिया था, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। चलो आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट। सर कोई डाउट है किसी को? हेलो। नहीं सर। ठीक है चलो आगे। देर वेर टू टर्म्स एंड फ्रॉम दिस टर्म्स इट वॉज आस्क्ड टू फाइंड द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ दिस एपी, विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 21, 18, 15 एंड सो इज माइनस 81। कौन सी टर्म माइनस 81 है? क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज माइनस 81। विच टर्म, कौन सी टर्म जो है वो माइनस 81 है? सपोज इट इज आस्क्ड विच टर्म इज माइनस 81, लेट nth टर्म बी 81, tn इज माइनस 81, tn माइनस 81 समझो, और ये n निकालो, n मिलेगा हमको कैसा? व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ tn? a प्लस tn इज माइनस 81, a प्लस n माइनस वन इन टू डी। तो ये कितना है आपका, इसमें 21 इज a, व्हाट इज d? d कम होते जा रहा ना, कम तो d निगेटिव आता है, तो ये मतलब कितना, 21 प्लस n माइनस वन, n माइनस वन इन टू d का मतलब माइनस थ्री। सो tn का वैल्यू माइनस 81 है और tn का इस तरह से वैल्यू हमने फाइंड किया, दूसरा वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया इस फॉर्मूला में, tn इज a प्लस एन माइनस वन डी, तो ये है 21, एन माइनस वन इन टू माइनस थ्री, तो हमारे पास मिल गया 21 प्लस एन माइनस वन इन टू माइनस थ्री इक्वल्स टू माइनस 81।
चलो इसको लेकर जाएंगे हम, वन प्लस एन माइनस वन इंटू माइनस थ्री दैट इज माइनस थ्री एन प्लस थ्री, माइनस थ्री एन प्लस थ्री इक्वल्स टू माइनस 81, ओके 21 माइनस 3 एन प्लस 3 इक्वल्स टू माइनस 81, इससे जो एन मिलेगा दैट विल बी योर नंबर ऑफ टर्म्स, कौन सी टर्म है, कुठली टर्म, एन म्हणजे नंबर ऑफ दैट टर्म, पांचवी सहावी सातवी आठवी नववी व्हाट एवर इट मे, कैसे निकालेंगे, माइनस 81 इधर आएगा 21 में ऐड होगा, सो 21 माइनस 81 ऐड हुआ उसमें, 1 प्लस 1 2 और 8 प्लस 2 10 102, ओके ये प्लस 2 ये माइनस 3 एन उधर होगा प्लस 3 एन, कैलकुलेशन देखो 3 एन इज 105, ये 3 है 3 एन इज 105, सो एन इक्वल्स टू 35 मींस टी 35, टी एन के जगह टी 35 मतलब 35th टर्म, ओके 35th टर्म इज माइनस 81, किसी को कोई डाउट, वेदर यू हैव डाउट, हेलो सर, यस सर, डाउट, यस सर, मयूर सर, मयूर गणपत, मयूर सर पूरी स्क्रीन दिखाई नहीं, स्क्रीन का प्रॉब्लम है, ठीक है, प्रॉब्लम समझ में आया क्या मयूर, यस, ओके, थैंक यू सर, ओके ओके कौन सी टर्म माइनस 81 तो हम बोले यंथ टर्म, यंथ टर्म में जो एन है उसको, यंथ टर्म में जो एन है, हां सर हर्षल, हां हां इसको प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए दूसरा इंस्ट्रूमेंट जो कुछ, हां बोलिए हर्षल जी, सर फुल स्क्रीन दिखाओ ना स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है फुल स्क्रीन है ना, इतनी है स्क्रीन, है स्क्रीन इतनी है, थैंक यू सर, ओके चलो और सिंपल प्रॉब्लम है ये बट इससे बेसिक कंप्लीट हो जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय थ्री, हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय थ्री, ये हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, थ्री से डिविजिबल पहला टू डिजिट नंबर कौन सा है 12, दूसरा कौन सा है 15, लास्ट कौन सा है 99, इज इट राइट, सो 12 से 99 तक कितने नंबर्स हो गए, ये हम ऐसे ओरली भी कैलकुलेट कर सकते हो बट एपी से कैसे करेंगे, मतलब ये फर्स्ट टर्म है ये सेकंड टर्म है और ये nth टर्म है, तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ n हमको निकालना है, सेम क्वेश्चन है सिमिलर टू प्रीवियस क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 99, ऐसा क्वेश्चन बन गया, ए की वैल्यू 12 है बट डी की वैल्यू प्लस 3 है, तो ये हुआ 12, डी हुआ 3, टी एन हुआ 99, टी एन 99 है तो हमें फाइंड करना है n, तो हमारा कैलकुलेशन शुरू हुआ 99 इक्वल्स टू टी एन के फॉर्मूले में लेफ्ट साइड में 99 पुट किए, ये है 12, 12 प्लस n माइनस 1 इंटू 3, इससे जो n मिलेगा दैट इज योर आंसर, 99 से 12 माइनस होगा n माइनस 1 इंटू 3 विल बी 99 माइनस 12 विल बी n माइनस 1 इंटू 3, 9 minus 2 7, 9 minus 1 is 87 is n minus 1 into 3, ये 3 divide होगा, 87 upon 3 is n minus 1, 3 2s are 6, 2, 29, ये minus 1 इधर आएगा, 30 equals to n, तो n का value 30 आता है, मतलब कितने 2 digit number है, जो divisible by 3 है, How many two digit numbers are divisible by 3? 30 two digit numbers are divisible by 3. 30. 30 is your answer. Take the screenshot, try to understand. थोड़ा इधर उधर हुआ है. क्या करें? जितना है उसमें adjust करना होता है.
सर किसी को डाउट है क्या पूछो। दानिश मनोज पाटिल बोलिए, तुरंत बोलिए, फास्ट बोलो। साइज भगत भी लेंगे क्या? यस क्वेश्चन बोलिए तुरंत, इस टाइम में हम दूसरा क्वेश्चन ले सकते हो। सर चले गए वो, एक ही है बस। चलो नहीं है डाउट, चलो ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्वेश्चन ऐसा है, वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द सीक्वेंस 5, 11, 17 एंड सो ऑन 23, 301 ये सीक्वेंस की टर्म है क्या? क्वेश्चन ऐसा है, देखो ये सीक्वेंस पहले आपको देखनी है कौन से टाइप की सीक्वेंस है, इसमें यंत टर्म कैसे फाइंड किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो इट इज अ प्रॉब्लम फ्रॉम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये एपी के लिए है, बट जनरली ये प्रॉब्लम एपी के लिए नहीं आ सकता, कोई दूसरी सीक्वेंस भी हो सकती है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो उस सीक्वेंस में आपको यंत टर्म बनाना पड़ता है, वो एक अलग स्किल है। आज हम एपी देख रहे हैं, वो डिफरेंट सीक्वेंस में कैसे हम यंत टर्म निकालते हैं, वो एक अलग स्किल है, वो हम कल के लेक्चर में देखेंगे पूरा डिटेल्स में। डिफरेंट डिफरेंट सीक्वेंस है, मालूम नहीं वो एपी है क्या है कौन सी है, बट सीक्वेंस है। सीक्वेंस मतलब उसमें हर एक नंबर दूसरा नंबर तीसरा नंबर फोर्थ नंबर वो दूसरे से कुछ कुछ ना कुछ एक सेम रिलेशन से रिलेटेड होते हैं, उसे कहते हैं सीक्वेंस। अब चलो ये तो ऑब्जर्वेशन से लगा है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, 5 में 6 ऐड किए 11, 11 में 6 ऐड किए 17 एंड आगे 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 आगे, सो इट इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इन दिस एपी व्हाट इज ए, ए इज 5 एंड डी कितना है, डी इज 6, D is 6, okay? A is 5 and D is 6. और हमको पूछा है कि whether 301 is a part of this sequence. क्या 301 इस sequence का part है? हमको ऐसे पूछा है. Whether 301 is a part of this sequence. ये 301 उस part का sequence है या नहीं? या हम उसमें देख रहे? तो कैसा करना है? Suppose TN is 301, समझो TN 301 है, अगर ये पार्ट होगा तो N का वैल्यू मिलेगा, अगर ये 301 सीक्वेंस का पार्ट नहीं होगा तो N का वैल्यू नहीं मिलेगा हमको। N इज एन इंटीजर, इंटीग्रल वैल्यू नहीं मिलेगी, 1 2 3 4 5 जैसे वैल्यू नहीं मिलेगी, कुछ ना अलग वैल्यू मिलेगी, फ्रैक्शन में मिलेगी, डेसिमल या कुछ अलग वैल्यू मिलेगी या कुछ कॉन्ट्रडिक्शन आएगा। चलो ये इज 5 डी 6, ये एपी है, ये प्रॉब्लम में हमारे लिए ए पी है, तो टी एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन डी, ए का मतलब 5, 5 प्लस एन माइनस वन इंटू 6 इज 301। देखो अभी इसको लेके जाएंगे, एन माइनस वन इंटू 6, एन माइनस वन इंटू 6 इक्वल्स, ये जो 5 है 5 राइट साइड जाएगा, 301 माइनस 5, 301 माइनस 5, 301 माइनस 5, so n minus 1 into 6, किसी को कोई डाउट है? चलो 301 minus 5 सुमेध अंश, डाउट है? हाँ बोलिए सर। सर आप स्टेट बोर्ड का एलजेब्रा का बुक यूज कर रहे हैं? नहीं नहीं, ये तो मेरे पास ये पुराना सीबीएसई का बुक है, इसमें थे, कल मैं थोड़े अलग जगह से लाऊंगा किसी से लेके जो मटेरियल। सर मेरे पास भी सेम क्वेश्चन स्टेट एलजेब्रा में है, स्टेट बोर्ड में, स्टेट बोर्ड का सिलेबस कैसे बनता है मालूम है आपको? चलो आपने क्वेश्चन किया, पहले ये जो आईसीएसई सीबीएसई ये सब जो नेशनल बोर्ड्स है ना, इंटरनेशनल बोर्ड, उनका सिलेबस रहता है, और स्टेट बोर्ड की जब कमेटी बैठती तो वो क्या करते, मैं किसी कमेटी का मेंबर नहीं हूँ, बट मैंने इस सालों इतने साल से देखा है कि
ये जो प्रॉब्लम्स रहते हैं वो प्रॉब्लम एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम रहते हैं, उनको सभी को फॉलो करना होता है, इससे कंसेप्ट ग्रो होता है। कंसेप्ट ग्रो होना समझ में आई बात? हाँ सर। इसलिए वो स्टेट बोर्ड में आते हैं, बट सब सब सिलेबस सब स्टेट बोर्ड में नहीं आता, क्योंकि स्टेट बोर्ड तब स्टूडेंट के लिए है, महाराष्ट्र के सभी रूरल एरिया के हो। और सीबीएसई आईसीएसई का क्या होता है कि वो एक स्टैंडर्ड सिलेबस होता है, और उनको ये जरूरी नहीं कि स्टूडेंट कैसा हो कैसा हो, स्टैंडर्ड सिलेबस स्टैंडर्ड है, जो सिलेबस है उसको जो कॉप करे उन्हें उनके लिए वो सिलेबस बनता है। और हमारा स्टेट बोर्ड स्टूडेंट को आगे लेने के लिए, स्टूडेंट का ग्रोथ होने के लिए, द सिलेबस इज डिजाइन फॉर द ग्रोथ ऑफ द स्टूडेंट, इसलिए उसमें सीबीएसई आईसीएसई और अलग कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। ओके मैं आपको कल ऐसा एक पूरा बुक दिखाऊंगा, उस पुराना बुक है 100-150 साल पुराना, उसमें आपके स्टेट बोर्ड के सब क्वेश्चन है, 100-150 साल पुराना, बट उसका पब्लिकेशन आज भी होता है, अरिहंत उसका पब्लिश करता है, बट प्रॉब्लम वही है पुराने। चलो ये प्रॉब्लम को कंप्लीट करते हैं फिर से। यस सर, क्वेश्चन में कुछ डाउट होगा? हाँ बोलिए, बोलते जाइए। सर ये टेक्स्ट बुक आप यूज कर रहे हो, मेरे पास है 10th स्टैंडर्ड का, तो अभी उसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ना? एक काम करो, आप उसको पूरा सॉल्व करो, कोई जरूरत नहीं, मैं आपको और कुछ हिंट दे दूंगा इसके अलावा, वो आपके एग्जाम में काम आएंगे। वेरी गुड, वेरी नाइस सजेशन, वेरी गुड। बट मैं क्या बता रहा हूँ कि यस यस बहुत सही है, बुक आप पहले सॉल्व कर लो और हम और कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम देंगे एट द एंड में, 4-5 दिन, तब उसमें कुछ ट्रिक्स रहेंगे। जब तक आपका बेसिक कंप्लीट नहीं है वो ट्रिक्स कुछ काम के नहीं रहते, उससे फिर मेंटल फटिक आता है। ओके वेरी गुड। इसमें बोला है कि वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ नंबर, तो हमने सपोज किया कि 301 इसका टर्म है, ऐसे सपोज करना वेदर है या नहीं, तो है बोला, तो 301 इक्वल्स टू nth टर्म, nth टर्म का फॉर्मूला 5 प्लस n माइनस 1 इनटू d का वैल्यू 6 है, 5 ठीक है, 5 प्लस 6n माइनस 6, सो 5 माइनस 6 प्लस 6n इज 301। बेस शुरुआत में मैंने आई हैव कंसीडर दिस एज अ बुक, शुरुआत के लिए, शुरुआत जो होती पहले लेक्चर के लिए, बेसिक के लिए ऐसे, आगे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे उसके लिए मुझे थोड़ा दूसरा मटेरियल लेना पड़ेगा। आपके डाउट्स कैसे आते हैं उसके ऊपर हम लेवल बढ़ा सकते हैं और एग्जाम को ध्यान रख के। तो अब देखो 5 - 6 - 1 है, इधर आया तो कितना वैल्यू हुआ, माइनस वन इधर आया तो 302 हुआ, 302 इज 6n। ओके तो n का वैल्यू कितना आया, n विल बी व्हाट, 302 अपॉन 6, वेदर n इज पॉसिबल, 302 अपॉन 6 चेक करो, डिवीजन करके देखो, n इंटीजर आएगा क्या, नहीं आता है, n इंटीजर नहीं आता मतलब कौन सी भी टर्म 301 नहीं होगी, 301 विल नॉट एनी टर्म। ओके 30, अब मैं एक क्वेश्चन करूं पूछूं क्या सर? सर यस सर बोलिए, सब लोगों को बोलने की चांस दीजिए। ओके सर, मैं एक क्वेश्चन करने वाला, आप अपने आपको अनम्यूट कर लेना सर, मैं म्यूट कर रहा सबको अनम्यूट करके। यस सर बोलिए सर, म्यूट की अनम्यूट कीजिए सर। हाँ सर पूछे ना क्वेश्चन। सर अभी के समय में वैल्यू है ना आते हैं ना सीक्वेंस में सबट्रैक्टेड, अब मेरा क्वेश्चन चेंज हुआ, प्लस नंबर मस्ट बी सबट्रैक्टेड,
सबट्रैक्ट कौन सा नंबर करना है? नंबर टू को सबट्रैक्ट करना है 301 से, तो 299 आएगा और ये 299 प्लस 1 300 आएगा और 300 इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 6, तो हमको नंबर मिल जाएगा। ये नंबर उस सीक्वेंस का पार्ट होगा। चलो आगे जाएंगे प्रॉब्लम की ओर। किसी का डाउट है पार्टिसिपेंट? हाँ शुभम, व्हाट्स योर डाउट? शुभम, आर्यन, हेलो शुभम, हेलो, हाँ बोलो ना, बोलिए। म्यूट किया उसको। सर वन नहीं आता क्या सब्सट्रैक्ट को? नहीं नहीं नहीं, वन करने से 300 आएगा, लेकिन 301 होगा फिर से। सर वो नंबर क्या हो रहा है? टाइम फिनिश हो रहा है? नहीं नहीं, टाइम फिनिश हो रहा है, फिर से शुरू करेंगे सर। हाँ, दूसरा सेशन। ऑल पार्टिसिपेंट्स आर हियर इन्फॉर्म दैट वी विल स्टार्ट री अगेन इट विद इन अ मिनट। प्लीज रीजॉइन द सेशन।